Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taaza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवाल. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. धन्यवाद मनोज जी. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडस्ट्रीज हिट अ रिकॉर्ड हाई इन इंट्राडे ट्रेड. निफ्टी एंड्स एट 25,158 व्हाइल सेंसेक्स क्रॉसेस द 82,000 मार्क. Fitch reaffirms India's sovereign debt rating at triple B. Moody's raises GDP growth projection for the financial year 2024. And crude oil prices trading higher today after two consecutive losing sessions. घरेलू शेयर बाजार में अंतर्देशीय कारोबार में प्रमुख सूचकांक एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंचे. निफ्टी 25,158 पर हुआ बंद, सेंसेक्स 82,000 के स्तर को कर गया पार. वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन ऋण रेटिंग BBB बनाए रखी. उधर मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए GDP वृद्धि दर अनुमान में बढ़ोतरी की. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत दो सत्रों में गिरावट के बाद आज फिर से ऊपर की ओर उठी. घरेलू शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और अंत में प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. आईटी, ऑटो और FMCG सेक्टर में अच्छी खासी लिवाली देखने को मिली. कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने नए नए उच्च स्तर तक पहुंचे थे, लेकिन यह तेजी आखिर तक बनी नहीं रही. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 349 अंक यानी 0.43% की वृद्धि के साथ 82,134 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 106 अंक यानी 0.42% बढ़कर 25,158 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां बिकवाली देखने को मिले. इनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कमजोर रहा. BSE मिड कैप इंडेक्स 0.27% घाटे में रहा. स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.72% की गिरावट हुई. India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended on a positive note in a volatile trading session amid buying across various sectors including IT, auto and FMCG. Meanwhile, in intraday trade, both indices touched a record high. At close, the pack of 30 companies, Sensex was up by 349 points or 0.43% at 82,134. Nifty 50 ended the session at 25,158 with 0.42% or 106-point gain. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined by 0.27% and the small-cap index fell by 0.72%. In the Sensex pack, 19 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Tata Motors with a 4.19% gain, Bajaj Finance and Bajaj Financial Services adding 2.41% each, and HCL Tech increased by 1.72%. Conversely, the major laggards of Mahindra and Mahindra, which lost 1.11%, JSW Steel was down by 1.01%, and Sun Pharma shed 0.85%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 10 out of the 20 sectors traded in losses. The top laggards were capital goods and industrials, which lost 0.89% each, services declined by 0.74%, and power fell by 0.72%. While the top gainers were oil and gas, which got an uptick of 0.91%, energy gained 0.88%, and FMCG added 0.58%. The overall market breadth at the BSE was negative, as out of 4,047 companies, shares of 1,420 companies advanced, 2,531 companies declined, 96 remain unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 83.86 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान 101.15 पर चल रहा था। दीपशिखा जी, बाजार में आज की स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक ओर सेंसेक्स और निफ्टी पैक में तेजी, तो वहीं विस्तारित बाजार में हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। किन अर्थों में ले रही आज के कारोबार को? देखिए, आज का जो बाजार का मूवमेंट है, अगर आप देखें तो कल जो है ग्रोथ नंबर्स आएंगे, जीडीपी नंबर्स आएंगे, तो और इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा लग रहा है कि ग्रोथ थोड़ी कम हुई है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि चुनाव भी थे और खासी गर्मी के कारण जो है कुछ क्षेत्रों में उस पर फर्क पड़ा था। सरकार का भी खर्चा नहीं हुआ है उतना, तो उसका असर दिखने का है। लेकिन ब्रॉड मार्केट जो है, जो ऊपर चढ़ा, तो एक्सपेक्टेशन है और जो ये 11 दिन से चल रहा है कि यूएस फेड का जो इंडिकेशन आया है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि सितंबर में शायद हो जाएगा रेट कट। और उसके अलावा जो है डेटा जो है, आज यूएस का भी बाजार का थोड़ा डेटा आने वाला है और कल भी आने वाला है, तो ये दोनों डेटा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा होंगे, क्योंकि ये दर्शाएंगे कि आगे कट जो है कितना और मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मार्केट में ये थोड़ा सेंटिमेंट तो बिल्ट अप है ही। दूसरा है कि जो कुछ क्षेत्र हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईटी, ऑटो आज हमने देखा बेहतर कर रहे हैं, तो ये दिखलाता है कि अमरीकी बाजार की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसका असर और हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे क्या चल रहा है। तो डिमांड को लेकर के ये है कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाला जो और करंट क्वार्टर जो चल रहा है उसमें शायद थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन होगा आने वाले महीनों में, दिवाली फेस्टिवल जो सीजन आएगा उसके अंदर, तो उसका थोड़ा सा बिल्टअप अब आने लगा है। लेकिन अगर आप देखें तो जो ऑटो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी कंसर्न आ रही है क्योंकि उनके नंबर्स जो है वो प्लाटो हो रहे हैं। जहां तक अगर आप देखें जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स है, जो एकदम तेजी दिखाई दे रही थी उसमें, तो थोड़ा सा वहां पे करेक्शन की उम्मीद की जा रही थी और वो करेक्शन जो है अब आने लगा है धीमे धीमे। तो वो एक ये है कि एक इक्विलिब्रियम वाला जो फेस आना था वो आने की तरफ शायद हम बढ़ रहे हैं। दीपशिखा जी, इफ यू जस्ट गो बैक to the market itself, FIIs and DIIs were the net buyers to the tune of 6,000 crore rupees. Sensex was up by 349 points as a result of the buying interest. Market is at an all-time high of 82,134. Technically speaking, do you think that's also because of Reliance Industries considering on September 5 on releasing bonus shares on a one-on-one basis? After all, Reliance Industries has a weightage of 11% on the Sensex. Do you think there is a greater interest in large cap stocks now in the stock market, notwithstanding the GDP announcement tomorrow? Definitely. If you've sort of seen the market movement over the past few days, there is a investor interest which is seen in the Sensex stocks. And both, not just the domestic, but also the foreign investors, which are looking at these companies. Definitely, today's movement was driven by Reliance to a large extent. And we've seen in the past also, it can drive market quite an extent. So, which was seen because there was a lot of expectation on what the company will announce today. There was some announcement. But I think the company management has decided to reward the investors, and which has been lapped up by the market. So that sentiment was definitely seen in the market. But definitely, I think at smaller level also, there is an interest in the large cap Sensex companies, obviously, because investors are also sort of hedging their bets and going for the large companies there. Which is what you're seeing, this shift from the earlier secular rise to now, there is a
sort of a decoupling kind of a thing which is being seen here. Deepshikha ji, coming back to your GDP opinion, the experts are citing 6.5% as an estimate. It's come down. Do you think that's because consumption is affected to some extent, because consumption figures into the computation of GDP? You made a reference to auto inventories, in fact, going up by almost 13% for this month itself. So how do you see consumption improving so that GDP goes up? So, you know, it was a mix of quite a few factors in the second quarter. You had elections, so that overhang was there. Government expenditure slows down. We all know a lot of, approvals don't come about, and there is a model code of conduct. So that obviously has its impact. The other thing is because of, extreme climate conditions, extreme heat, and we have talked about it earlier as well, that there was going to be a bit of impact of, this phenomenon. And a number of sectors, construction and some of the other sectors, did face some concerns on that. So that is probably going to have some impact when the numbers come out tomorrow. So I think the forecast range is between 6.5 to 6.8. The other issue of automobile sector, we have to also see, past 2 years, we've seen phenomenal rise in auto numbers. So obviously at some point, it was expected that it would slow down a bit, and that, I think, slowdown is probably coming about. But still, if you see the monthly numbers, they still remain pretty strong. Yes, inventory is rising, but it is rising on a very huge base, which we saw in past 2 years. So I think the consumption story in India remains strong going forward, and with a good monsoon. And now if you see, the spatial distribution has recovered, and it is expected that the farm sector would definitely, and the rural economy, will provide a leg up to the overall demand. So going forward, I think we should have a good festive season going ahead. Notwithstanding that, Nifty Auto went up by 141 points. So between the real economy and what's happening in the stock market, there's clearly a lot of sentiment that the companies are likely to recover and carry out their sales and revenue targets, right? Absolutely. I think that built-up is definitely, I think markets are reading into what will happen 6 months to 1 year, and they're not going in for short-term, which is a very strong indication of what the performance would be going forward. यहाँ पर आपने चर्चा की कृषि क्षेत्र की कि जो मॉनसून के जो खबरें आ रही हैं और अभी तक बारिश का प्रसार हुआ है वो अच्छा रहा है. कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में और खास तौर से जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए एफएमसीजी सेक्टर कैसा रहेगा, मांग वहां कैसी निकलने वाली है और एफएमसीजी सेक्टर के किस तरफ जाता दिख रहा है यहां से? देखिए, बारिश अच्छी हुई है. शुरुआती दौर में ये बहुत एक कंसर्न था कि मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से जो खरीफ की बुआई होती है उसमें थोड़ा डिले भी आया और थोड़ा सा उस पर असर हुआ है. लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो लास्ट जो उसका मॉनसून का है चरण, अंतिम चरण जो है, उसमें काफी रिकवरी आ गई है और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है. तो कृषि क्षेत्र से उम्मीद है और ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी बल मिलेगा इस मॉनसून से. और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से कंजम्पशन डिमांड को भी बल मिलेगा, मजबूती आएगी. तो एफएमसीजी क्षेत्र हो या आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र हो या ऑटोमोबाइल हो, इसकी जो डिमांड है वो ग्रामीण क्षेत्र से बढ़ने की उम्मीद है. उसको जो सपोर्ट चाहिए वो वहां से आएगा. तो एफएमसीजी में आपका जो एडिबल सेगमेंट है वो उस पर काफी असर पड़ता है. हम यूजुअली देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पे कंपनीज जो हैं वो फोकस करती हैं उस हिसाब से, और उनसे भी यही सुनने में आ रहा है कि वो आशा कर रहे हैं कि ये जो डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं वो मजबूत डिमांड आएगी वहां से. दीपशिका जी, लाइक निफ्टी ऑटो it went up by 141 points. Nifty Bank is almost at par with
a 9-point gain. But in the real economy, the savings to GDP is at 5%. How concerned should economists be with that figure? One thing, the financial sector is definitely doing very well. It's very robust. And the regulators have really taken care to shield it from any kind of upheaval happening anywhere else in the world. So Indian financial sector's performance, if you see, has been very robust. And going forward, it is expected to do well. You know, as the cycle turns around and as you see performance of other sectors, as you see in private investment now picking up, financial sector is definitely going to go up. If you see, even in the case of consumption, the credit demand has seen a substantial rise. So in terms of stock market performance, I think this is going to be reflected in the way financial sector is doing. With regard to savings, definitely, I think at some level there is a concern that these savings are not coming into the system. But if you see, the pattern of savings is changing in the country. A large part of savings which probably went into bank deposits and all, they are now entering the stock market. And which if you, we've seen comments from policymakers on this, that how banks are now, you know, facing this challenge of how to draw depositors to banks. तो अब हमने लंबी चर्चा की घरेलू शेयर बाजार पर और उसके साथ साथ अर्थ जगत पर, देश की अर्थव्यवस्था पर. हम इसी क्रम में आपको वैश्विक शेयर बाजार की ओर ले चलते हैं, लेकिन हम पहले बाद में ले चलेंगे. पहले हम जो अहम खबर आज की आई है, अपनी देश की जो साख दर है उसमें कह लें कि कुछ इजाफा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था अनुमान में संशोधन होकर बढ़ा है और साख दर भी मजबूत बनी हुई है. Fitch Ratings has reaffirmed India's sovereign debt rating at BBB with a stable outlook. The global rating agency in its report released today has attributed to the country's robust medium-term growth prospects and solid external finance position. Fitch projected India's GDP growth at 7.2% in the financial year 2025 and 6.5% in the financial year 2026, bolstered by public infrastructure investments, strong private sector investment in real estate and a resurgence in manufacturing. Meanwhile, a New York-based rating agency, Moody, has also raised India's GDP growth projection for the calendar year 2024 to 7.2% from 6.8% earlier, expecting a strong, broad-based recovery and signs of a rural demand revival. The BBB rating reflects low default risk expectations, where the capacity to meet financial commitments remain adequate despite potential vulnerabilities from adverse business or economic conditions. We had read about the quarterly GDP, which is estimated at 6.5%. This is for the year 7.2% by Fitch and the Moody. How do you see the succeeding quarter improve, and in which area? No, definitely. Like I mentioned earlier, the second quarter actually faced a peculiar situation because of the elections, because of the heat, and that is what the issue is, and which is what will get reflected in the numbers. What is probably going to happen going forward is, I think the pickup will definitely come. The monsoons have been good. The rural economy is expected to get a pickup. And otherwise also, with festive season coming in, I think the lag will be filled up, and the economy overall from the consumption side will better itself. And which is why I think you are seeing the agencies, global agencies, sort of they have revised upwards India's growth projections. यानी भारत की जो विकास गाथा है उस पर मुहर लगाई है वैश्विक एजेंसियों ने. यहां हम आपका ध्यान कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसकी ओर ले चलना चाहेंगे, और जो ताजा फैसले हुए हैं उनसे क्या असर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था को भी और हमारी शेयर बाजार को भी, क्या कहने की उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ आने वाले दिनों में आपको दिख रहे हैं, खासतौर से जो ग्रीन स्मार्ट सिटी है उसको लेकर जो घोषणा हुई है उसे ध्यान में रखते हुए. बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें, जब से सरकार जो है उसने चार्ज एज्यूम किया है,
तो हर बार कैबिनेट के जो निर्णय आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाया जा रहा है, उनको अप्रूव किया जा रहा है, नीतियों में नीतियां लाई जा रही हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो कल जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये 12 सिटीज जो हैं ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनाई जाएंगी, तो ये भारत जो है निवेश को और खासतौर से विदेशी निवेश को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ये जो 12 सिटीज पूरे देश भर में फैली रहेंगी, तो ये एक पहल है कि किस तरह से आप निवेश जो है और देश में उसको किस तरह से और आकर्षित कर सकते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगल विंडो अप्रूवल दे करके। और दूसरा कि अलग अलग जो भाग हैं देश के, वहां पर अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूत हो रही है, उसका भी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो जमीन पर उसका बेनिफिट पहुंचाने की बात है, रोजगार पैदा करने की बात है, अपॉर्चुनिटीज फैलाने की बात है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का निर्णय है, ये उस दिशा में एक कदम है कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की सिटीज बनाई जाएं जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके, वहां पर निवेश हो सके, वहां पर आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो और बेहतर होंगी जब ये सिटीज का डेवलपमेंट होगा। यहां पर एक कह लें कि जो स्ट्रेटेजिक जिसको कहते हैं रणनीतिक दृष्टिकोण यदि हम समझें तो हमने पूरे देश का विकास लिखा है जहां महानगरों के इर्द गिर्द विकास हुए हैं, लेकिन ये जो चुनाव किया गया है जो स्मार्ट सिटीज है वो अपेक्षाकृत महानगर से थोड़े दूर भी रखे गए हैं, किस रूप में बदलाव लाएगा ये? देखिए, ये जो सिटीज जो हैं जहां पर इनको पूरे देश में एक वो कहा जा रहा है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो है, अगर आपको याद होगा कि एक हाईवेज का नेटवर्क जो है NDA 1 में ये तैयार किया गया था, प्लान किया गया था, उससे सड़कों का एक नेटवर्क हाईवेज का बना है जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। अब उसी तरह से ये स्मार्ट सिटीज जो हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज जो हैं, इनका एक क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरे देश का चहुमुखी विकास हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे शहरों से पलायन होता है बड़े शहरों की तरफ। तो जो भी उद्योग का विकास हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, वो कुछ शहरों में उसका बेनिफिट जो है सीमित रह जाता है। अब ये कोशिश है कि उसको सब जगह पहुंचाया जाए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज 6 प्रमुख बाजारों में से 3 लाभ के साथ बंद हुए। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% लाभ में रहा। गिफ्ट निफ्टी में 0.56% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.53% ऊपर आ गया। उधर बिकवाली के दबाव में चीन की शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.03% नुकसान में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.02% की मामूली गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो 3 प्रमुख शेयर बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी। फ्रांस का कैक 40 0.73% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.67% की तेजी देखी जा रही थी। वहीं लंदन का फुटसी 100 भी 0.31% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the US stock market, US stocks ended lower yesterday following the release of quarterly report of chipmaker Nvidia. The tech-heavy NASDAQ composite plunged more than 1%, S&P 500 shed 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average finished 0.4% down. Dipshika ji, the US stock market has seen a minor correction now. The volatility index has also gone up. It's almost 16 right now. And this is following Nvidia's quarterly report. But there's been a lot of speculation when it comes to their tech stocks. Do you see this as a minor blip or the market is going to go up once again? I think the market is sort of trying to find a balance here, especially with rate cut expectations sort of getting built in. But there was also a growing feeling that, you know, the U.S. Economy may not be doing that well, though job data was pretty robust. And there was some impact which was being felt on the IT stocks.
आई थिंक व्हाट हैपन टुडे इज ऑल्सो पॉसिबली अ रिजल्ट ऑफ दैट एप्रीहेंशन, दैट नर्वसनेस. But there's also a view that Nvidia was, you know, sort of a bit, it had moved beyond, there was a lot of built up there, and which I think the investors are sort of easing their positions. What about the Fed Reserve's decision to cut the discount rate on September 8th? I think the two data, one is today's data, which is expected, and tomorrow's on consumption will probably set the pace. Set the paths and make it like very clear as to which way, which direction the Fed is going to take. But there is an expectation after Jeremy Powell's last speech that we are heading for, the USA is heading for a rate cut in September. आइए लौटें स्वदेश, नजर डालते हैं घरेलू खबरों पर एक बार फिर से. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज नई दिल्ली में डिजिटल भारत अर्थव्यवस्था सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत स्टार्टअप का महाकुंभ है. उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में अपने देश में प्रत्येक 40 मिनट पर एक स्टार्टअप की शुरुआत की जाती है. उन्होंने कहा कि देश में 1,40,000 स्टार्टअप में से 45% से अधिक के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला अवश्य है. उन्होंने ये भी कहा कि बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए स्टार्टअप क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. इन मोर न्यूज फ्रॉम द ऑयल मार्केट, ऑयल प्राइसेस आर ट्रेडिंग हाई टुडे आफ्टर टू लूजिंग सेशंस इन द ग्लोबल क्रूड मार्केट. ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 0.53% अप टू ट्रेड एट $79.07 पर बैरल. The U.S. West Texas Intermediate was also trading 0.63% up at $74.99 per barrel when reports last came in. Very briefly, as Sinopec in its report said that China, the demand from China has gone down, which is explaining the drop in oil prices. But it seems to be picking up again. What do you think would be the range for oil prices short term? I think it's very difficult to predict which way oil will go at the current juncture, because you do have some geopolitical events which exist right now which have not sort of calmed about. The other factors I think which are going to possibly have an impact is how the US economy behaves going forward. Of course, the demand from China is slowing down, but demand from other economies probably will be up, and I think the oil will reflect that. आइए तेल की बात चलें. सर्राफा बाजार में सोना आज समाचार तैयार की जाने तक बढ़ोत के साथ कारोबार कर रहा था. शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 90 रुपए बढ़कर 72,020 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 450 रुपए बढ़त के साथ 84,800 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में नजर डालें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक सोना और चांदी दोनों की चमक तेज थी. अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.14% बढ़कर 71,841 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी की कीमत 0.5% बढ़कर 84,399 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. दीपशिखा जी, सोना ने हाल के वर्षों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. क्या आसार लग रहे हैं आने वाले दिनों में कि जो हालात हैं, भू राजनीतिक स्थितियां हैं, उनमें सोने के दाम किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं, बहुत संक्षेप में? देखिए, जब भी कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल फैक्टर रहता है तो सोने का दाम बढ़ता ही है. और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अभी हैं, शांत नहीं हुआ है. अगर आप यूरोप भी देखें और मिडिल ईस्ट भी देखें तो जाहिर मुझे लगता है कि ऐसा ट्रेंड जो है वो चलता ही रहेगा. श्रोताओं, ये है सलाह, चमक तेज रहने के आसार हैं. बस यही आपकी ओर से दीपशिखा जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And before we close the mind of the headlines, domestic benchmark indices hit a record high in intraday trade. Nifty ends at 25,158 while Sensex crosses the 82,000 mark. Fitch reaffirms India's sovereign debt rating at BBB. Moody raises GDP growth projections for the financial year 2024. And crude oil prices trading higher today after two consecutive losing sessions. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.